अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मजदूर संगठन के बैनर तले विद्युत संविदा मजदूर संगठन के कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता विद्युत के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्युत विभाग के संविदा कर्मी ईपीएफ ईएसआई वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने, संविदा कर्मियों का समायोजन सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत मजदूर संगठन के जोनल अध्यक्ष प्रभाकर पांडे, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण जगन्नाथ यादव व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय प्रकाश चौधरी व अधिशासी अभियंता ए एच खान ने कहा, हमारी मांगे जो है विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की तरफ से सत्याग्रह जो चल रही है, इसमें जो है दोनों संगठन के, हम तो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं विजय प्रकाश चौधरी, हमारे आदरणीय ये जो है क्षेत्र जोनल अध्यक्ष हैं और प्रभाकर पांडे जी, आप जो है मंडल अध्यक्ष हैं जगन्नाथ यादव जी और बाकी तमाम साथी हमारे और बड़े बड़े जो है पदाधिकारी जो है के आह्वान पर, केंद्र के आह्वान पर ये कार्यक्रम दोनों संयुक्त रखा गया है। जगन्नाथ यादव मंडल अध्यक्ष रूलर, आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विभागीय कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को लेकर के और संविदा मजदूर संगठन के जो कर्मचारी भाई हमारे हैं उनको विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति और उनका मानदेय जो विभागीय नियमानुसार जो सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है वो भुगतान करने के विशेष में मांग है हमारी। आगे हम लोग एमडी कार्यालय पर 9 तारीख को हम लोगों का डेट पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम करेंगे सत्याग्रह का, उसके बाद लखनऊ में हम लोगों का कार्यक्रम होगा। प्रभाकर पांडे जोनल अध्यक्ष विद्युत मजदूर संगठन। आज हम लोग किस लिए बैठे हुए यहाँ पे? यहाँ प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन दोनों का संयुक्त रूप से आह्वान चल रहा है। विद्युत मजदूर संगठन की मांग कर्मचारियों का 4200 ग्रेड पे का 6600 ग्रेड पे को लेकर के है और संविदा कर्मचारियों की मांग उनके जो मृतक आश्रित को 5 लाख मिलता है उसको 20 लाख किया जाए और संविदा कर्मचारी जो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए, ऐसे करके तमाम मांगे इसके लिए आज आंदोलन चल रहा है। कब तक आप बैठेंगे धरने पर? शाम को 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक बैठेंगे। अभी आगे किसी को ज्ञापन वगैरह देना है इस पर? हाँ, मुख्य अभियंता को ज्ञापन देंगे। अगला 9 तारीख को हमारा MD कार्यालय पर धरना है। सर, बिजली विभाग के बाहर कुछ सुविधाकर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ, ये मुख्य अभियंता कार्यालय है, यहाँ पे चूँकि ये जोन का कार्यालय है तो इसलिए जो है यहाँ पे संगठन अपनी मांगों को लेकर के प्रायः प्रदर्शन इत्यादि करते रहते हैं, तो इसी कड़ी में संविदा कर्मी आए हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं, इसको लेकर के सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि आज ही ये जो है प्रारंभ हुआ है और इनकी मांगों को हम लोग देखेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यद्यपि क्षेत्र में संविदा कर्मियों की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि पहले जो है समय पर इनका वेतन नहीं मिलता था और जो है ठेकेदार तरह तरह से इनको प्रताड़ित करते थे, जिसका कि निगम प्रशासन ने बहुत अच्छा हल करके और इनको अब समय से हर महीने तनख्वाह मिल रही है और इनके जो दूसरे लाभ हैं वो भी दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जैसे सुरक्षा इनको प्रदान की जाए अच्छी से अच्छी ताकि इनका कोई किसी तरह का कभी भी कोई एक्सीडेंट ना हो और जो है इनके बच्चों को दवा इलाज और सारी चीज़ें मुहैया हों, इसके लिए शासन प्रशासन और निगम प्रशासन भी प्रयासरत है और जो भी इसमें आगे इनको अभी
बहुत सारी सुविधाएं दी जानी हैं, जिसके लिए निगम प्रशासन प्रयासरत है, वो सब दिलाई जाएगी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।